पंजाब में आज की रात रत जगे की रात है। पंजाब में चुनाव प्रचार का शोर थम गया और निर्णय की घड़ी अब नजदीक आ गई है, क्योंकि कल पंजाब विधानसभा की 117 सीटों के प्रत्याशियों की किस्मत का फैसला ईवीएम में कैद हो जाएगा। यह पिटारा भले ही 10 मार्च को खुलेगा, लेकिन जनता का मत मतदान से ही निश्चित हो जाएगा। अब इस मतदान से किसकी जीत है और किसकी हार है, यह 10 मार्च का दिन बताएगा। तो पंजाब चुनाव 2022 कई मायनों में खास है। इसका एक कारण यह भी है कि इस बार राजनीतिक पार्टियों ने महिला प्रत्याशियों पर ज्यादा भरोसा जताया है, तो वहीं महिला मतदाता भी पहले के मुताबिक अब ज्यादा जागरूक नजर आ रहे हैं। एक रिपोर्ट। एक तरफ जहां चुनाव आयोग की ओर से मतदान की पूरी तैयारी कर ली गई है, वहीं पंजाब में इस बार कई ऐसे दिग्गज चेहरे हैं जिनकी साख दांव पर है। तो चलिए अब आपको बताते हैं कि पंजाब में पिछले चुनाव के मुकाबले ये चुनाव क्यों खास है। 2022 के इस चुनाव में राजनीतिक पार्टियों ने महिलाओं पर कितना भरोसा जताया है। पंजाब में कब कब कितनी महिलाओं को टिकट दिया गया। 2022 विधानसभा चुनाव की बात की जाए तो कांग्रेस ने 11 महिला उम्मीदवारों को चुनावी मैदान में उतारा है, जबकि 2017 में 11 महिला उम्मीदवारों को कांग्रेस ने टिकट दिया था। 2022 में आम आदमी पार्टी ने 12 महिला प्रत्याशी चुनावी मैदान में उतारे हैं, जबकि 2017 में इनकी संख्या 8 थी। शिरोमणी अकाली दल और गठबंधन की बात की जाए तो 2022 में 6 महिला प्रत्याशी चुनावी मैदान में हैं, वहीं 2017 में 8 महिला प्रत्याशी चुनावी मैदान में थी। बीजेपी ने भी इस बार 8 महिला प्रत्याशी चुनावी मैदान में उतारे हैं। कुल 37 महिला उम्मीदवार इस बार चुनावी मैदान में ताल ठोक रही हैं, तो इससे पहले 2017 के चुनाव में इनकी संख्या 27 थी। जहां एक तरफ राजनीतिक पार्टियों ने महिला उम्मीदवारों पर भरोसा जताया, वहीं प्रदेश में पहले के मुकाबले महिलाएं पुरुषों की अपेक्षा अपने मतदान को लेकर ज्यादा जागरूक दिखाई दी। पंजाब में महिला वोट परसेंटेज ज्यादा रहा। विधानसभा चुनाव 2022 की बात करें तो महिला वोट परसेंटेज यहां पर 78.90% था। 2017 विधानसभा चुनाव में यह बढ़कर 79.20% हुआ। वहीं पुरुष वोट प्रतिशत की बात की जाए 2012 में 77.58% था, जो कि 2017 विधानसभा चुनाव में बढ़कर 78.50% हुआ। पंजाब विधानसभा चुनाव के लिए 20 तारीख को मतदान होना है और इससे पहले सभी तैयारियां पूरी हो गई हैं। 20 फरवरी को मतदाता अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर पंजाब के इतिहास में एक नया अध्याय लिखने जा रहे हैं। अब यह अध्याय किसके लिए सुनहरा साबित होता है, ये तो 10 मार्च का दिन तय करेगा, लेकिन उससे पहले नेताओं की धड़कनें तेज हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, MHN प्राइम।